द न्यूक्लियर वेपन्स। दोस्तों बचपन से ही हम इसके बारे में सुनते आए हैं। इतिहास में किसी देश पर सिर्फ एक बार प्रयोग होने वाले ये हथियार पूरी दुनिया को थरथरा देने के लिए पर्याप्त है। ये इतने खतरनाक अस्त्र है कि 6 अगस्त साल 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त साल 1945 को नागासाकी जापान के इन दोनों ही हंसते खेलते बड़े शहरों को 2 दिन में खंडहर बना दिया था। उस वक्त फैटमैन और लिटिल बॉय इस 2 नामों से जाने जाने वाले उस परमाणु बम के विनाश को आज तक दुनिया नहीं भूल पाई है। इसकी ताकत इतनी है कि इसके गिरते ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था और आज भी कोई भी देश न्यूक्लियर स्टेट पे हमला करने से 10 बार सोचता है, क्योंकि इसकी अपार शक्ति कितनी है और इससे युद्ध कितना घातक हो सकता है, ये बात दुनिया को परमाणु बम ने ही समझाई है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं छिड़ सकती। प्रकृति ने पूरी दुनिया में जितने भी जीव बनाए हैं उसमें से हम इंसान सबसे घातक और सबसे खतरनाक है। हमने कई जीवों का निकंदर कर दिया है और ये संभावना है कि भविष्य में आने वाले वक्त में शायद कोई परमाणु हमला हो। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो और दुनिया में अमन और शांति कायम रहे। लेकिन मान लीजिए कि 1% चांस में भी अगर ऐसा होता है तो इस परिस्थिति में हमें उससे कैसे निपटना चाहिए, उससे कैसे बचना चाहिए और उस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, इस बात को जान लेना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि न्यूक्लियर अटैक की परिस्थिति में क्या करें और उससे कैसे बचें। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है एक हेल्थी ज्ञान से भरे चैनल द नॉलेज के साथ। अगर आप यहां पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एवरी फ्राइडे एक्सक्लूसिव कंटेंट एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर भी जरूर फॉलो करें। तो चले दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि किसी कारण से अगर परमाणु हमला होता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी देश के साथ युद्ध के वक्त हालात और बिगड़ जाए तो उस परिस्थिति में सबसे पहले हम लोगों को कुछ एक टाइम तो मिलेगा अपने आप को सेव करने का। अगर आपको ये लगे कि देश पर कोई देश परमाणु हमला कर सकता है या परमाणु बम हमले का खतरा मंडरा रहा है तो सबसे पहले तो आप घनी आबादी वाले क्षेत्र यानी कि बड़े शहरों को छोड़कर अपने किसी रिश्तेदारों के वहां छोटे शहरों में या फिर गांव में चले जाए, क्योंकि अक्सर परमाणु बम हमले का खतरा सबसे ज्यादा बड़े शहरों पर ही मंडराता है, क्योंकि दुश्मन देश किसी देश का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना ही चाहता है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के कई देशों में ज्यादातर बड़े शहरों में ऐसे शेल्टर्स मौजूद है जहां पर परमाणु बम के हमले से सुरक्षा मिल जाए। हालांकि कई सारे देशों में जिनमें हमारा देश भारत भी शामिल है आम लोगों के लिए ये शेल्टर बहुत ही कम है और ज्यादातर ऐसे शेल्टर्स हमारी आर्मी और VVIP लोगों के लिए है। अगर आपने भी अपने घरों में कोई ऐसा शेल्टर बनाया है या किसी और का शेल्टर आपकी जानकारी में है तो वहां पर जाकर आप उस शेल्टर में महफूज रह सकते हैं। और ऐसे समय में आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है तो वो कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन बहुत ही गहरे और मजबूती से बने होते हैं। फ्रेंड्स अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, परमाणु बम अगर आपकी लोकेशन से यानी कि आपकी मौजूदगी से आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर के एरिया में गिराया गया है तो फिर आप ईश्वर को याद कर ले, क्योंकि इतनी दूरी में किसी भी चीज का बच पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका लोकेशन परमाणु बम के हमले से 5-1 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो आप बच सकते हैं। आप किसी आसपास के बंकर में, बेसमेंट में या फिर कोई अंडरग्राउंड जगह पे चले जाए और वहां पर पहुंचते ही आप उल्टा लेट जाए। हालांकि पहले वाले धमाके से आप थोड़ा दूर है तो आपको उसके तुरंत बाद ही दूसरा धमाका और पहले वाले धमाके से ज्यादा तेज धमाका सुनाई देगा, इसलिए आप उस बेसमेंट में तुरंत अपने कान भी बंद कर दे। ये दूसरा वाला धमाका इतना खतरनाक होगा कि इसमें कई सारी इमारतें राख बन जाएगी। लेकिन अगर आप किसी शेल्टर में है तो हो सकता है कि कुछ हद तक उस शेल्टर को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन आपके उसमें बचने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर आप परमाणु हमले के सेंटर पॉइंट से कई किलोमीटर्स दूर है और आप दूसरे धमाके से भी बच जाते हैं तो अब आपका सामना होगा आसमान से बरसते मलबे और रेडिएशन से। इसलिए अब दूसरे नंबर का खतरा होगा परमाणु बम से उत्सर्जित हुआ रेडिएशन।
दोस्तों न्यूक्लियर ब्लास्ट में मेनली तीन तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज रेडिएशन, जिसमें से अल्फा रेडिएशन किसी कमजोर कागज जैसी चीज के आर पार भी नहीं जा सकती है, लेकिन बीटा जा सकती है। पर मेनली अल्फा और बीटा रेडिएशन किसी सॉलिड या ठोस वस्तु के आर पार नहीं जा सकती है। इसलिए अगर आप किसी बिल्डिंग या बेसमेंट के अंदर हो तो आपको अल्फा और बीटा रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप बाहर हो तो बीटा रेडिएशन से जल सकते हैं। और इन सभी में सबसे खतरनाक होती है गामा रेडिएशन, जो कि आसानी से किसी सॉलिड या ठोस वस्तु के आर पार भी जा सकती है। ये गामा रेज इंसान के डीएनए में भी बदलाव कर सकती है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन रेडिएशंस का असर करीब 24 से 36 घंटों तक सबसे ज्यादा रहता है। इन हालातों में सांस लेना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में अगर आप किसी बेसमेंट में हैं, तो आप इस रेडिएशन से बच सकते हैं। इस बेसमेंट में अगर आप जख्मी हैं, तो आप अपने शरीर का निरीक्षण कर ले। अगर आप जख्मी हैं, तो आप तुरंत फर्स्ट किट का उपयोग करके अपने जख्म को भर ले। और अगर आप सही सलामत हैं और आसपास पानी की मौजूदगी है, तो तुरंत स्नान कर दे, ताकि आप रेडिएशन से खुद को बचा सके। याद रहे कि आपको अपने शरीर को पूरा रगड़ कर नहीं नहाना है, बस पानी से अपने शरीर को धोना है और इसके साथ ही अपने बालों को, अपने नाक को और अपने हाथ और पांव के नाखूनों को अच्छे से साफ करना है और अपने पुराने कपड़ों को हरगिज नहीं पहनना है। अगर आपके पास बेसमेंट में कोई शरीर को ढकने लायक चीज हो या कपड़ा हो तो उसे धारण कर ले और अपने आसपास हर वो चीज जो आपको काम की लगे उसे ले ले। और इस हालात में किसी भी परिस्थिति में उस बंकर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाहर रेडिएशन अपनी चरम सीमा पर होगा और एक ही सांस में इंसान की मौत हो जाएगी और इसके साथ ही बहुत ही विनाशकारी गर्मी होगी। आपको बस अभी यही ट्राई करना है कि आप 20-25 दिन या एक महीने तक इस बंकर में ही बने रहेंगे और इसके दरमियान आपको कोशिश यह करनी है कि यहाँ पर आपको कम से कम खाना है और ज्यादा समय तक सोना है। और अगर आपके पास कोई डिवाइस है, कोई जीपीएस सिस्टम है या कोई भी रेडियो या फोन जैसा डिवाइस है, तो आप बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में एक हफ्ते से 10 दिन के टाइम फ्रेम में बाहर की दुनिया से मदद मिल ही जाती है। बचाओ अभियान टुकड़ियां अपना कार्य शुरू कर देती है और वो लोगों को ढूंढना शुरू करती है। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि बाहर लोग मदद के लिए आ गए हैं, तब आप बंकर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले मुंह पर कुछ ना कुछ ढकना जरूरी है। और अगर कोई भी बचाव टुकड़ी आप तक नहीं पहुंच पाती, तो आप ट्राई ये करें कि 20 से 25 दिन बाद ही बेसमेंट से बाहर निकले। तब तक बाहरी विनाश थम गया होगा और बाहर जाकर आपको तुरंत ये एहसास होगा कि आसपास की दुनिया राख बन चुकी है। शायद आप अकेले ही जिंदा बचे हैं या आसपास शायद बहुत ही कम लोग। ऐसे में आप कुछ भी करके इस इलाके को छोड़ दे और यहाँ से हो सके उतने दूर चले जाए। ऐसे में आपको याद ये रखना होगा कि परमाणु विस्फोट किस डायरेक्शन में हुआ था और आपको ठीक उसके उल्टी दिशा में, उसके उल्टे डायरेक्शन में चले जाना है और कोई भी नजदीकी मदद जहां पर आपको मिले वहां पहुंच जाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ईश्वर ना करे कि आप या हम में से किसी को भी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। ईश्वर करे दुनिया में शांति फिर से कायम हो और हमेशा रहे। अगर आप द नॉलेज पर नए हैं, तो नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और परमाणु बम और उसकी बनावट के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे स्पॉटिफाई पे अपलोड किए गए लेटेस्ट पॉडकास्ट को सुने, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्लीज फॉलो दैट एंड सुने जरूर। हैव अ गुड डे, टेक केयर।